नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी इस नई वीडियो में। आपका हमारी पहली वीडियो पर बहुत ही अधिक प्यार मिला है रंगीला रसूल पर, उसको देखते हुए हमने पार्ट टू बनाने का सोचा है। तो बने रही हमारे साथ, तो देखते रहिए सत्यम। तो आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं उस महान गोल्ड डिगर कठमांडू के देवता चिंगल मुल्गहमसी लोंडा मोहम्मद के बारे में। मैं यहाँ पर लोंडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बुढ़ापा की शुरुआत में ही एड्स की बीमारी कारण दम तोड़ दिया था और वह अल्लाह को प्यारा हो गया था। तो आइए कुछ जानते हैं रंगीला रसूल के बारे में। मोहम्मद ने शादी की ही नहीं बल्कि शादियों की तरह औरतों से शादी की, बेवा से की, कुंवारी से की, यहाँ तक कि शादीशुदा से की, जवान से की, एक छोटी बच्ची से की थी ना। तो आइए एक नजर डालते हैं कुरान के ऊपर कि मोहम्मद सॉरी हौसी मोहम्मद ने क्या लिखा है वहां पर। सही बुखारी 7:62-173 में लिखा है संभोग की तैयारी। वैसे अल्लाह ने फरमाया कि औरतें अपने पति के घर आने से पहले ही अपने नीचे के बाल साफ करके रखे, समझ रहे हो। मुस्लिम 8:32-40 में बताया वासना शांत करने हेतु पत्नी से संभोग। रसूलुल्लाह ने फरमाया हौसी मोहम्मद ने कहा है कि अगर कोई मर्द किसी प्राय औरत को देखे उसके दिल में असर हो जाए तो मर्द चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास जाकर संभोग करे, यानी देखा किसी और को जाके रात को। पत्नी का दूध पीना जायज है। ये क्या है मतलब खुद ही की पत्नी का। मलिक मुक्ता 30:15 में बनाए यहा बिन मालिक ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी के स्तनों से दूध पीता हूँ, क्या यह हराम है। तब अबू मुसने कहा कि इसे रसूल ने जायज कहा है। हौसी मोहम्मद ने सही बताया और 2 सालों में ये समय कर भी रहा हूँ। वाह वाह बेटे वाह, रसूली भाई क्या बोलूँ इनको तुम्हें। पकड़ी गई औरतों से बलात्कार जायज है, ये देखो आज पता चला कि यहाँ पे मूल्य ज्यादा बलात्कार क्यों करते हैं। मैमू 2900 में बताया गया कि इब्न अब्बास ने कहा तुम्हें पकड़ी गई औरतें से पूछने की जरूरत नहीं कि वह संभोग के लिए राजी है या नहीं, तुम जबरदस्ती संभोग कर सकते हो, उनकी इच्छा का महत्व नहीं है, यानी तुम एक रूप से उसका रेप कर सकते हो जो तुम। वैसे तो ये वही है जिन्होंने लूट लूट कर औरतें लाई है, उनका रेप किया है और उनको बदनाम किया है। इतना गंदा धर्म आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखा। कुंवारी लड़कियों के साथ संभोग उत्तम करना, मतलब कि तुम 5 से लेकर 7 साल तक लड़के के साथ सेक्स कर सकते हो, हद होती है। सही बुखारी 7:16 में अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह का रसूल वही है हौसी मोहम्मद। कुंवारी और असक्त योनि लड़कियां उत्तम होती है, रसूल ने कहा है कुंवारी करने के साथ संभोग करने में अधिक आनंद आता है। ऐसी बात है तो इनके हौसी हो रहे बड़े। महावारी के दौरान संभोग। सही बुखारी 3:33-747 में कहा है कि आयशा ने कहा रसूल उस समय भी संभोग करते जब मैं महावारी में होती थी। ये क्या होता है यार, हद होती है। वो और तुम्हारी खेती नहीं, अरे सॉरी तुम्हारी तो खेती है, करो। वीरे का स्वाद और रंग। अबू दाऊद किताब 3:10 हदीस 608 में बताया कि उम्मे सलेम ने बताया कि पुरुषों के वीरे का रंग सफेद होता है और काटा होता है और बेस्वाद है कि स्त्री का वीरे पतला पीला और तल्ख होता है। वो भी स्वाद रखा है इन्होंने, सही जा रहे हो। वेश्यागमन ठंडी पाची। मुस्लिम किताब 8:53 में कहा गया रसूल ने कहा कि जिहाद के समय मुसलमान एक रात के लिए भी शादी कर सकते हैं, यानी लव जिहाद। ये वही लव जिहाद की बात कर रहे हैं कि वे वेश्यागमन कर सकते हैं, उसे शादी करके उसे सेक्स करके उसको छोड़ सकते हैं बीच रोड पे। हजरत का संभोग विज्ञान। मुस्लिम 8:33-65 में बताया कि अबू
जुहरी ने कहा कि रसूल ने कहा कि तुम चाहे औरतों से आगे से संभोग करना चाहो या पीछे से संभोग करो, परंतु लिंग योनि के अंदर ही प्रवेश होना चाहिए, नहीं तो संतान। अबू दाऊद किताब 1:7-270। आयशा ने कहा कि जिस समय मैं महामारी में थी तभी रसूल आ गए और मुझे अपनी जांघों में खोल कर कहा, फिर नबी ने अपनी गाल मेरी जांघों पर रखे, मैंने उनके सर को जांघों से कस लिया और उसी हालत में सोते रहे। अरे रे रे रे, लीकिंग चल रही है यहाँ पे। औरतें भोग की वस्तुएं, यदि औरतों संभोग की इच्छा भी नहीं हो तभी उसके पति जबरदस्ती संभोग या हलाला कर सकते हैं, हकदार है। औरतें संभोग की वस्तुएं यानी इनकी माँ बहन कुछ नहीं होती, इनकी सिर्फ औरतें होती हैं। यदि औरतें संभोग की इच्छा नहीं है तभी उसके पति जबरदस्ती संभोग कर सकता है यानी खुद की बीवी का रेप कर सकता है। रसूल ने कहा है कि अल्लाह ने औरतों पर मर्दों की फजलियत दे रखी है यानी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, मतलब लड़के जो चाहे जो कर सकते होते चुपचाप करवाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। अब अबू दाऊद 11:2044 तो जाके खुद देख लेना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ऐसी वीडियो और अधिक देखने के लिए पिंक सतन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूल रहे। अगर आपको वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, पार्ट 3 जरूर बनाए। धन्यवाद।